देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जिस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट कर्व सर्फेसिस। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करना बहुत ही कंपलसरी है। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का ये सेशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे स्फेरिकल सरफेस हैं, किस शेप के हैं, उसके लिए फार्मूला क्या आता है, कैसे रिफ्रैक्शन होगा, इन चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, सो देखते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है और क्या इसमें फार्मूला आता है, क्या इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस में पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्फेरिकल सर्फेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको दो टाइप की रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं स्फेरिकल। पहला है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, और सेकेंड है हमारा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। ये दो हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, कौन से सरफेस को कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा इसमें कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ये हो गया एक सरफेस हमारा, ठीक है, और सेकेंड इस टाइप का है, ये हो गया ए बी हो गया ये सपोज, और ये वाला इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये इस टाइप का है। ठीक है यहाँ पे दो सर्फेसेस। तो यहाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका, ये अंदर फील्ड होता है, ये पूरा ग्लास है, अगर ये ग्लास का मटेरियल है या फिर किसी भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ये हो सकता है, ये अंदर फील्ड होता है ये पूरा मटेरियल, और बाहर इसके है एयर, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हम लोग जो करते हैं। तो ये एयर है, यहाँ भी एयर है, ठीक है, इसके अंदर ये फील्ड है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू टू इसका भी है, सपोज इसका म्यू टू है, ठीक है, या फिर इसको म्यू टू डैश बोल देते हैं, इसको म्यू टू बोलते हैं, बाहर का दोनों का वन वन ही है क्योंकि एयर है। तो अब इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्केव है, अगर कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इधर से आप देखेंगे तो देखिए ये कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो कॉन्केव दिखेगा, ये भी इधर से कॉन्वेक्स है, इधर से कॉन्केव है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे, किधर से देखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कन्फ्यूजन रही है आपको तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो डेरिवेशन करना है वो कॉन्वेक्स के लिए करना है या कॉन्केव के लिए करना है, यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्फेरिकल सरफेस से करना है, और कौन सी स्फेरिकल सरफेस से करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो देखिए कन्वेक्स या कनकेव हम लोग इस बात से डिसाइड करते हैं कि जो रेयरर मीडियम है उधर से देखने पे ये कैसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एयर की तरफ से देखने पे ये दिख रहा है कनकेव, तो ये है कनकेव, यहाँ पे एयर की तरफ से देखने पे ये लग रहा है कन्वेक्स, तो इसको कहेंगे कन्वेक्स। तो यहाँ पे इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस ये है टॉपिक, दो टाइप के कन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, सॉरी स्फेरिकल सर्फेसेस दो टाइप के हैं यहाँ पे, फर्स्ट है कन्वेक्स, सेकेंड है कनकेव। इनमें से कन्वेक्स ये वाला है क्योंकि एयर की तरफ से देखने पे ये कन्वेक्स दिखता है, कनकेव ये वाला है क्योंकि एयर की तरफ से देखने पे ये कनकेव दिखता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसको कनकेव या कन्वेक्स कहेंगे, राइट।
तो अब चलते हैं टॉपिक, कैसे स्टार्ट होगा, कौन कौन से डेरिवेशंस हैं, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। बट उससे पहले देखेंगे कि हम लोग स्फेरिकल सर्फेसेस में क्या चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि अगर हम समझ जाएं तो हम सारी हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो वो चीजें समझने के लिए चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं। किसी एक सरफेस के लिए चीजों को पहले पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, तो जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होगी। फर्स्ट है पोल, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ अपर्चर एंड फिन प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए, ये है थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है फोर पॉइंट। इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, ये जो सरफेस है, अगर यहाँ पे डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दे और ये कम्प्लीटली फील्ड पार्ट है, तो आप तो समझ गए कि ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है कंकेव, किसी भी एक के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इस ये जो सरफेस है इसको वाई डैश पी वाई बोलते हैं। इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है इसी को बोलते हैं पोल। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये सेंटर मोस्ट, एक्चुअल में ये बाउल जैसा होता है, ऐसे होता है। ये टू डायमेंशन में आपको सर्कल का पार्ट दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में स्फीयर का पार्ट होगा। ये ऐसे दिखेगा, ये फील्ड होगा, यहाँ पे सेंटर में यहाँ कहीं पोल होगा। तो ये ऐसे है, ये यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसे है ये। ठीक है, ये आपकी तरफ ऐसे, एक बाउल को अपने सामने ऐसे रखो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा ये पोल है। ठीक है, अब अगर इस स्फीयर को कंप्लीट करें हम ऐसे, ये देखिए स्फीयर इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, अगर कन्वेक्स होता तो उधर कंप्लीट होता, तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ये स्फीयर। तो इसका जहां पे इसका सेंटर आता इस स्फीयर का, उसी को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। तो स्फीयर को कंप्लीट करते इसका सेंटर जो होता वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। फिर पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद रखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, जो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज हैं उसको पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे टू टाइप की स्फेरिकल सर्फेसेज आपके सिलेबस में, फर्स्ट है कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सरफेस कन्वेक्स है या कनकेव है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेरर मीडियम की तरफ से देखना होगा। रेरर मीडियम की तरफ से देखने पे अगर वो कन्वेक्स दिखेगा तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे, अगर वो कनकेव दिखेगा तो कनकेव बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको कभी भी हो सकती है, डेंसर मीडियम की तरफ से देखने पे जो सरफेस कन्वेक्स होगा वो रेरर की तरफ से देखने पे कनकेव हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको हम ऑलवेज रेरर मीडियम की तरफ से ही देखना है, और रेरर मीडियम की तरफ से देखने पे ये देखिए कनकेव दिख रहा है, इसको कनकेव बोलेंगे हम। तो ये कनकेव सरफेस हो गया। अब इसके लिए इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा पोल, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है वो हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इतनी चीजें आप जान गए हैं, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है मिरर से। मिरर के लिए हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, तो वहां पे वो वीडियो देखा था आपने। तो ये सभी चीजें वहीं से रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें रिफ्रैक्शन होगा और मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमें पहले साइन कन्वेंशन जानना होगा और उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके तो अब इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, हम कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे कि क्या है साइन कन्वेंशन। वैसे दोनों टाइप के सरफेस के लिए साइन कन्वेंशन सेम है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे वही है जो कि आप रिफ्लेक्शन में मिरर के लिए यूज करते हैं, तो कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत ही नई बात नहीं है। सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अगर आपको मिरर के लिए याद है तो बहुत ही हेल्पफुल होगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि कंकेव है। कंकेव क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया अभी अभी कि ये जो एयर की तरफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेस है उस तरफ से अगर देखें तो ये आपको कंकेव दिखता है। ओके तो ये अभी देखिए इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट जो है, जो कि वाई पी वाई डैश है, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट जो ये है पोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है पोल। अब इस स्फीयर को जब कंप्लीट करते हैं आप ऐसे, तो इसका जो सेंटर बनता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी से सी तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना हम सभी को पता है। ओके, ये तो डिस्कस किया था अभी। अब हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो देखिए साइन कन्वेंशन में बहुत ही बेसिक सा दो पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट है All the distances are measured from pole. क्या लिखेंगे, All the distances measured from pole. तो ये देखिए ये first point है, All the distances measured from pole. सभी distance को pole से measure किया जाएगा। ओके और सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं आपको सेकेंड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। सो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन की सारी जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा सब कुछ नेगेटिव होगा, मतलब सारे डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे हम। और थर्ड है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो वो सभी डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे उन सभी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। थर्ड फोर्थ देखते हैं क्या है, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये आप नोट कर दीजिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव and below the principal axis are taken as negative. This sign convention is same as we have already learned in case of the reflection from the spherical mirrors. Okay, so you can see the same thing are here, but this is the case of refraction and that was the case of reflection. Okay, so because we know that in case of mirror the phenomena of light is reflection,
वेयर इज इन केस ऑफ कनकेव सर्फिसेस इट इज रिफ्रैक्शन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देयर वी वर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके सो लेट मी इरेज दीज थिंग्स एंड स्टार्ट द टॉपिक. So I hope you understand how these sign conventions are work here, or you can say will work here. Okay. So let me give you one example for the sign convention. It will make you more clear. Suppose object is placed somewhere here on the principal axis. Okay. So light ray must travel in this direction. So all the distances are measured from this point P. So you can see here the u in this case is taken as negative, r that is radius of curvature is also negative. Now the image, if image from somewhere left to the pole, it will be negative, and if it from here means right to the pole, it will be positive. It depends on the position of the image, but you can see here r and u are negative, p is according to the position right. If it is right, it will be positive. It is left, negative. So this is the basic sign convention here. Okay. Now the most important point for derivations in this part of the chapter is normal. Okay, because the all the derivations are based on the Snell's law, so we must use the ratio sin I upon sin r is equal to mu 2 by mu 1 type. So in that case we need normal. Okay, so let us understand how we can draw normal in different cases. Okay, so first we are going to learn how to draw normal. Okay, so let's see. So देखिए normal कैसे draw करेंगे. मान लीजिए आपके पास कोई भी condition दिया होगा, कोई surface दिया हुआ है, suppose इस type का कोई surface है, तो कैसे normal draw करेंगे. तो जैसे ही आपके सामने कोई surface हो, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि उसका center कैसे होगा. पहले आप उसको स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. जैसे ये स्फीयर बन गया, ये हो गया सी. अब यहां से कोई भी लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, ये सारी लाइंस क्या होंगी, नॉर्मल होंगी. ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि सरफेस इस टाइप का दिया हुआ है, हो सकता है कि इतना ही दिया हो, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ लेंगे और यहां से नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे. राइट, तो अब आपको समझ आया होगा कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं. तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, फिर से सुनिए. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जो भी सरफेस दिया हुआ है उसको पहले स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि उसको यहाँ पे टू डायमेंशन में वो सर्कल जैसा दिखेगा. तो आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन भी कर सकते हैं, या बहुत प्रॉब्लम है तो आप डॉटेड लाइन से उसको पेंसिल से एक बेसिक अपना बना लीजिए और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे है. जैसे ही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है, आप यहाँ से जो भी लाइन इस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइंस क्या होंगी, इस वाले जो सरफेस है उस पे नॉर्मल होंगी. क्योंकि आपको पता है कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास करती है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, या फिर स्फीयर के सर्फेस पे वो नॉर्मल होती है. तो जैसे ये स्फीयर है, इसके सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये इस पे नॉर्मल होती है. ठीक है, तो ये आपको ये सभी नॉर्मल्स मिल रहे हैं. तो जो भी नॉर्मल आपको रिक्वायरमेंट है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा वहां पे आप सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल की हेल्प से आपको हम बता रहे हैं, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे आप नॉर्मल. तो सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका ओ पे है, तो यहां से कोई लाइट ऐसे चलेगी. अब ये मीडियम डेंसर है, तो आप रिफ्लेक्शन कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल से आपको नॉर्मल की तरफ बेंड करना है लाइट रे को, तो नॉर्मल होना चाहिए इस पॉइंट पे, तभी तो बेंड करेंगे. तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, सबसे पहले यहाँ से एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे. तो आपको पता है सेंटर से जो भी लाइन,
अब देखिए ये सेंटर से अगर ये ड्रॉ करें ये भी नॉर्मल है, ये ड्रॉ करें ये भी नॉर्मल है, ये ड्रॉ करें ये भी नॉर्मल है, बट हमको कहाँ ड्रॉ करना है, जहां पे रिफ्रैक्शन दिखाना है तो हमको इस पॉइंट पे दिखाना था रिफ्रैक्शन, इस वाले पॉइंट पे, तो हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब ये लाइट रे क्या होगी, इसकी तरफ बेंड होगी ऐसे, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा इसके पास हमें ड्रॉ करना होगा यहाँ पे ऐसे। अब ये लाइट रे ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से ये ऐसे नॉर्मल, फिर ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी इसकी तरफ ऐसे, तो ये वाला एंगल हो गया आई, और ये जो डॉटेड लाइन और इसके बीच का एंगल है ये एक्चुअल में ये बाहर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है। अब इस लाइट को जब इस लाइट रे को पीछे की तरफ ऐसे इंक्रीज करेंगे तो आपको कहीं यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा ऐसे, रियलिटी में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्योंकि रियलिटी में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो ये आपको मिलेगा जो वर्चुअल मिलेगा, वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकती है इस केस में। ओके, तो इसको और अच्छे से अगर समझना है तो हमें इस डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर और बड़ा बनाना होगा, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये तो चीजें समझ गए, अब एक कंप्लीट फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो फार्मूला जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। सो रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ये है हेडिंग। ठीक है, तो इसके लिए देखिए डायग्राम, ये है कंकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं ड्रॉ कर दिया, ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ये हो गया पोल, आप इन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, ये हो गया माइनस आर और ये डिस्टेंस माइनस यू हो गया। ठीक है, यहाँ से ये लाइट ऐसे चलेगी और ये नॉर्मल, तो ये लाइट रे यहाँ से इसकी तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, तो ये एंगल हो गया आई और ये एंगल हुआ आर, ये वाला एंगल, इसको एन सी एन बोल रहे हैं, और इस लाइट रे को ओ, इसको पी क्यू बोल रहे हैं, तो एंगल एन पी क्यू जो होगा, एंगल एन पी क्यू ये आर के इक्वल होगा और एंगल ओ पी सी होगा आई, क्योंकि सभी एंगल को नॉर्मल से हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए, अब इस लाइट रे को जब ये लाइट रे तो इधर चलेगी, ये कभी भी इस प्रिंसिपल एक लाइट रे यहाँ से इस इधर चलेगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, पोल से पास करेगी, और इसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस सरफेस के सेंटर से पास कर रही है तो ये इस सरफेस पे जरूर नॉर्मल होगी, ये ओपी नॉर्मल है, ओपी लाइट रे, तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस में चली जाएगी। अब ये देखिए, ये पी क्यू रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी इसको क्योंकि पी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको कुछ और नेम दे देते हैं, एम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन एम और ओ एम। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे एम क्यू है और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे को हम बोल सकते हैं पी पी एल सपोज कर लेते हैं, ये या पी एक्स बोल देते हैं, तो यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पे एम क्यू ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि ये देखिए डाइवर्ट हो रहे हैं, तो जब इसको अगर डॉटेड लाइन से इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी। ठीक है, तो जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे दिखेगी तो इसी को पोजीशन मान लेंगे वर्चुअल इमेज की। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज की पोजीशन हो गई यहाँ पे,
तो जब आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटल एंगल है आई, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक और एंगल फॉर्म हो रहा है जो है आई एन सी एंगल आई, ये आई और ये एम और ये सी एंगल आई एन सी, ये एंगल आर के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइट ऐसे चल रही है और ये है नॉर्मल, मतलब कहने का है ये नॉर्मल ऐसे है और लाइट रे जो यहां से ऐसे बेंड हुई है इसी को हमने पीछे ऐसे ऐसे किया हुआ है। देखिए ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, तो इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ये आर ही होगा और ये टोटल एंगल क्या है आई है, इसको आप ध्यान से समझेंगे ठीक है। तो अब देखेंगे अगर एंगल ओ एम आई, अगर देखें एंगल ओ एम आई तो ये होगा आई माइनस आर हो जाएगा ठीक है, और यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे खुद से चीजों को समझने के लिए, एम डैश बोल देते हैं इसको। तो यहां पे इस एंगल को हम लोग खुद से अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा लेते हैं ये डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, और यहां पे कुछ एंगल्स हमारे सामने जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है ठीक है। तो अब इन सभी एंगल्स की हेल्प से हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सटेरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से हम काफी चीजें डिटेल में यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग ठीक है। तो हमको यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज हैं वो आई और आर के फॉर्म में फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेरियर एंगल। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बीटा प्लस आर इज इक्वल टू आपको गामा मिल रहा है, एक तो रिलेशन ये है बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, और दूसरा क्या मिल रहा है ध्यान देखिए, दूसरा आपको मिलेगा अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे दो आपको रिलेशन मिल रहे हैं अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा एंड बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, ये दो आपको मिल रहे हैं एक्सटेरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो आप चाहे तो उसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा एंड बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा वाले रिलेशन से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ठीक है। तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे हमको यूज करना है एक्सटेरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें हमको ढूंढना होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस है एक्सटेरियर एंगल के लिए। आपको यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आई और आर के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और इसका म्यू टू है। इसको आप अगर ग्लास मान रहे हैं तो इसको म्यू और इसको एयर मान रहे हैं तो वन लिख सकते हैं, बट वो बाद में लिखेंगे जब देखेंगे, अभी फिलहाल हम इसको म्यू टू और म्यू वन ही ले रहे हैं, फाइनली हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इसके लिए स्नेल्स लॉ आप यूज करेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए तो आपको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब देखिए म्यू टू बाई म्यू वन मिलेगा क्योंकि जो लाइट रे वो म्यू वन टू म्यू टू जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे म्यू टू में, तो यहाँ पे म्यू टू बाई म्यू वन होगा। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एंगल आई और आर बहुत स्मॉल होते हैं यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, तो एंगल आई और आर बहुत स्मॉल है तो हम लोग साइन आई को सिर्फ आई और साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स दी आइडेंटिटीज आर ट्रू राइट। सो वी कैन राइट हियर आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, और यू कैन राइट
म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर वन आपको मिल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से अल्फा बीटा गामा जो है इसकी वैल्यूज को आई और आर के टर्म में फाइंड आउट करना है, और जैसे ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी उन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन नंबर वन में लिखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के टर्म में यहाँ पे यूज करेंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही आर की वैल्यू जो भी आ जाती है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको अल्फा मिलेगा आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ओ एम एम डैश, ऐसे ही आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है आई एम एम डैश, ऐसे ही सी एम एम डैश, थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके सामने हैं जिनसे आप इस ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी डिस्टेंस और यहाँ पे परपेंडिकुलर के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यू के टर्म में टेन आई मिलेगा, टेन बी सॉरी वी के टर्म में माइनस वी होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस वी मतलब कि इमेज डिस्टेंस के टर्म में आपको टेन बीटा मिलेगा, और गामा मिलेगा माइनस आर के टर्म में, ठीक है। क्योंकि आई और आर बहुत स्मॉल एंगल हैं इसीलिए अल्फा बीटा और गामा भी एंगल्स होंगे बहुत स्मॉल, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू सिर्फ अल्फा लिख पाएंगे, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख पाएंगे, और टेन गामा इज इक्वल टू गामा लिख पाएंगे। उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे यूज करेंगे और हमारे पास जो भी रिलेशन आएगा वही हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें यहाँ पे इन सभी इधर जो नोट किया हुआ है इन सभी चीज़ों को इरेज करना होगा और फिर हमको प्रोसीड करना होगा। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फार्मूला आने वाला है, जिस फार्मूले का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर इमेज या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन में उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको पहले नोट कर लें, ठीक है, और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आपके पास बुक है उस बुक का यूज़ करिए और बुक में से इसको बनाइए। और आपको लिए इस पूरे फॉर्मूले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है ये जानना जरूरी है, ये है आई की वैल्यू अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में फाइंड आउट करना, ऐसे ही आर की वैल्यू भी अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में फाइंड आउट करना। जरूरी है कि सभी आएंगे, हो सकता है आई इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा आने वाला है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी अल्फा माइनस गामा, ऐसे ही बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा आएगा, तो बीटा कितना आएगा गामा माइनस आर, तो यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू आएगा अल्फा माइनस गामा सॉरी गामा माइनस अल्फा, और बीटा इज इक्वल टू भी आएगा गामा माइनस आर सॉरी आर इज इक्वल टू आएगा गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे और हमको मिल जाएगा अल्फा और बीटा और गामा के फॉर्म में इक्वेशन नंबर वन। फिर उसमें टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यूज लिख देंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा क्योंकि वेरी स्मॉल एंगल्स हैं तो उनकी यहाँ पे टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा लिख सकते हैं। फिर इन ट्रायंगल्स से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सभी को पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा।